रोमन रिंग्स करेंगे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड इन ए ट्रिपल थ्रेट मैच एट रसलमेनिया, और इस हफ्ते रॉक की व्यूअरशिप कितनी रही एंड रसलमेनिया नाइट 1 और 2 के लिए WWE ने ऑलरेडी मैचेस ऑफिशियल कर दिया है, और नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे इंडक्ट कौन सा WWE सुपरस्टार होगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते रॉ की रेटिंग्स के बारे में। तो इस हफ्ते रॉ की टोटल व्यूअरशिप रही 1.816 मिलियन व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते से थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी रॉ को मिला था 1.843 मिलियन व्यूअर्स। तो रसलमेनिया से पहले भी रॉ का यही हाल है, 2 मिलियन भी टच नहीं कर पा रही रॉ। तो लेट्स सी आने वाले एपिसोड में क्या WWE अपनी रेटिंग्स में पर इंक्रीज कर पाती है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रिंग्स के बारे में। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर रिपोर्ट्स की माने तो रोमन रिंग्स डिफेंड करेंगे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप इन ए ट्रिपल थ्रेट मैच एट रसलमेनिया 37, और ये सुपरस्टार और कोई नहीं, ये होंगे डेनियल ब्राइन, जो कि ऐड होंगे रोमन रिंग्स एंड एज के साथ। तो आने वाले स्मैकडाउन में हमें डेनियल ब्राइन बोलते हुए दिख सकती कि उन्होंने भाई रोमन रिंग्स को टैप आउट करवाया था एट फास्टलेन, तो उनको तो मौका मिलना ही चाहिए फॉर द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। और अगर एज अगर ठीक से देखते तो रोमन रिंग्स हार जाते हैं अपने यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, क्योंकि एज उस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी भी थे। इस हफ्ते स्मैकडाउन में क्या डेनियल ब्राइन दावा करते हैं चैम्पियनशिप मैच में ऐड होने के लिए एट रसलमेनिया। तो लेट्स सी। नेक्स्ट बात करते हैं रेट्रीब्यूशन के बारे में। तो रेट्रीब्यूशन का ऑलरेडी हमने देखा था फर्स्ट लेन पे उनका एंड हो चुका है, लेकिन लास्ट मंडे नाइट रॉ पे कुछ दिखाया ही नहीं WWE ने, तो आप समझ सकते हैं कि रेट्रीब्यूशन का आगे का कोई प्लान नहीं है। और जितने भी सुपरस्टार है, चाहे वो पैक हो या मैक हो, जितने भी सुपरस्टार या टीबार हो, मुझे नहीं लगता उनका यहाँ पर सिंगल करियर यहाँ पर मेन रोस्टर में होगा। शायद यहाँ पर कुछ सुपरस्टार NXT में वापस चले जाए, या 2-3 सुपरस्टार अभी भी यहाँ पर रह जाए। तो लेट्स सी आगे चल के WWE क्या करती इन सुपरस्टार्स के साथ। नेक्स्ट बात करते हॉल ऑफ द फेम सेरेमनी के बारे में। तो यहाँ पे रूमर्स ये आ रहे कि रॉब वैन डैम हो सकते हो सुपरस्टार जो कि इंडक्ट होंगे इस साल WWE हॉल ऑफ फेम में। तो लेट्स सी नेक्स्ट रॉ या स्मैकडाउन पे क्या WWE अनाउंस करते कि रॉब वैन डैम को एज देयर हॉल ऑफ द फेम इंडक्ट। नेक्स्ट बात करते स्मैकडाउन के बारे में। तो आफ्टर April 2nd यहाँ पे स्मैकडाउन को मूव ऑन करना पड़ेगा फ्रॉम टॉपिकाना फील्ड एरिया, और उसके बाद स्मैकडाउन की न्यू प्लेस हो सकती है टैम्पा फ्लोरिडा में, वो भी एक ईगलिंग सेंटर नाम के एक सिटी में। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं एक बास्केटबॉल एरिया टाइप यहाँ पे जगह है। तो लेट्स सी WWE इसको किस तरीके से यहाँ पर सजाती है टिल आफ्टर रसलमेनिया। इसके बाद बात करते हैं रसलमेनिया 37 के Night 1 और Night 2 मैचेस के बारे में, जो कि WWE ने ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिया अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर नाइट वन पे हमें जो मैचेस अभी तक ऑफिशियल के वो है बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, इसके बाद है साशा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर एंड बैड बनी वर्सेस द मिज। तो आप समझ ही सकते हैं इनमें से एक ही मैच है जो कि मेन इवेंट कर सकते हैं रेसलमेनिया नाइट वन को, वो है बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर द WWE चैंपियनशिप। इसके बाद नाइट टू के जो मैचेज है जो कि अभी तक कंफर्म हो चुके हैं, वो है रोमन रिंग्स वर्सेस एज और आस्का वर्सेस रिया रिप्ली एंड रेंडी ऑर्टन वर्सेस फिंड। तो इनमें से आप समझ सकते हैं रोमन रिंग्स वर्सेस एज का मैच ही यहाँ पे मेन इवेंट करेगा नाइट टू पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो कि है बटिस्टा के बारे में। तो बटिस्टा ने खुद यहाँ पे ट्विटर पे बताया कि वो इस साल हॉल ऑफ फेम और दी टैलेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेरेमनी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि उनका खुद का कुछ काम है एंड वो चाहते हैं कि जब फैंस हो तभी उनके सामने वो बातचीत करें एंड उनके बाद उनको हॉल ऑफ द फेम सेरेमनी में इंडक्ट किया जाए। तो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर क्या बटिस्टा हमें हॉल ऑफ द फेम सेरेमनी में इंडक्ट होते दिखते कि नहीं, क्योंकि इस साल तो बटिस्टा नहीं आने वाले है। नेक्स्ट बात करते हैं द क्वीन शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो यहाँ पे कल अंड्राडे ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि शार्लेट फ्लेयर 4 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे और वापस से आ जाएंगे रसलमेनिया की पोस्टर में।
लेकिन यहाँ पर रिक फ्लेयर ने भी एक ट्वीट किया जहाँ पे उन्होंने अब जैसे देख सकते हो उन्होंने बोला है कि उनकी बेटी जल्दी स्पीडी रिकवरी करे और रेसलमेनिया इस साल विदाउट क्वीन बहुत फीका फीका लगेगा। तो यहाँ पर रिक फ्लेयर तो पूरी तरीके से कन्फर्म लग रहे हैं कि इस साल शार्लेट फ्लेयर मिस करेंगे रेसलमेनिया 37। तो लेट्स सी आगे चल के क्या हमें शार्लेट फ्लेयर इंक्लूड होते हुए दिखती है इन रेसलमेनिया 37। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि एलेक्सटर ब्लैक के बारे में। तो यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया कि एलेक्सटर ब्लैक को यहाँ पर थोड़ा सा माइनर इंजुरी हुआ है जिससे सफ़र कर रहे और इसीलिए स्मैकडाउन में वो वापस नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि स्मैकडाउन में दावा किया था कि उनके पास बड़ा प्लान है फॉर एलेक्सटर ब्लैक। तो आई होप एलेक्सटर ब्लैक जल्दी से अपने रिकवरी कर ले फ्रॉम दिस इंजुरी और जल्दी से वापस टीवी में देखने को मिले। तो यही थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड न्यूज़। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।